सो हेलो गाइस, फाइनली स्वागत है फिर से हमारे एक नए ब्लॉग पर। तो गाइस, आज का ये ब्लॉग कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग और फनी होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग देख सकते हैं सब दोस्त लोग जंगल में आए हैं, आज यहीं पे खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो में आप लोग कंटिन्यू जरूर बने रहना। ये हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी है, ये काफ़ी इन्जॉय करेंगे यहाँ, तो देखते रहिए ब्लॉग में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आगे ऐसी फनी वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद। शायद काफ़ी गाली दे सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट कर चुके हैं हम लोग। अरे देखिए देखिए, हमारे दोस्त लोग को कैसे बैठा है हमारे इंतजार में। तो गाइस, तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं। देखिए सब लोग अभी बैठा हुआ है, आग तो जला नहीं है अभी। चावल वाल है, देखिए चिकन काट के रेडी है, इन को ले आए। लो पकड़ो पकड़ो, जी गला वाली गला बन गया। कैमरा चलो, हेलो अब काम बंद करो। वन पूरा बन के तैयार है, वो झोली भी भर दी है, खाना कुछ देर में तैयार होने वाला है, तो मुझे भी कंफर्म बनने वाला। तो गाइस देख रहे हैं कितने से मेहनत कर रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं हम कि कैसे मेहनत कर रहा है। देखिए कितना मेहनती लड़का है, काफ़ी स्ट्रगल वाला है। बीवी को खुश रखिएगा चाहे जो भी है। देखिए कैसा बना रहा है, तेल गर्म नहीं है, प्याज फ्राई हो रहा है। ये होता है मल्टी टैलेंटेड बच्चा का क्वालिटी। देखिए तेल गरम नहीं है, बिल्कुल गरम नहीं है, ये फ्राई हो रहा है, प्याज फ्राई हो रहा है, अब फ्राई हो भी गया। देखिए ये होता है गांव का बच्चा का टैलेंट, जो कि शहर का बच्चा में नहीं पाया जाता है। देखिए सोनू मो तो सोच में पड़ गया कि चलो खाना कब तक बनेगा, टेंशन हो गया था कि भूख से आख घुस गया अंदर। सोनू के लिए टेढ़े मेढ़े कुरकुरे रखे हुए हैं। एक उधार है, एक इधर है। देख रहे हैं हमारे छोटू मिस्त्री अब चिकन फ्राई कर रहे हैं, क्या छोटू मजा आ रहा है। ये हमारा सोनुआ है, सोनुआ है, ये हमारे बड़ा मिस्त्री एंड बड़ा मालिक जो तो पूरा इसको हैंडल कर रहा है।
ये चिकन बनाने में काफी दिक्कत हो रहा है, चूल्हा बुझ गया है। हमारा भोजन तैयार हो रहा है, पीछे पीछे जुड़ी नहीं है, ये बोल रहा है जुड़ी नहीं है। देखिए हमारा खाना तैयार हो रहा है, रोटी चिकन फ्राई होने में भी काफी लेट है, देख सकते हैं कितना मेहनत कर रहा है, लग रहा है बहुत बड़ा धूप में पड़ गया है। फ्रीज भी ना छोटे मोदक जी प्रशांत मतलब दिमाग से बैठे हैं और ये कुछ मोदक जी। तो भैया आपको कैसा फील हो रहा है जाते काटते हुए? और ये हमारे बड़ा मिस्त्री दुलाल मोदक जो कि चांदा के रहने वाले हैं। तो भैया आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग आज पहली बार ऐसा खाना बना रहे हैं। अच्छा, अच्छा तो अभी क्या बन रहा है? मुर्गा बन रहा है, हो रहा है चिकन फ्राई एकदम। तो टेस्ट लगेगा खाने के लिए? बहुत टेस्ट। अगर हमारा सब्सक्राइबर कोई आता है तो उसको मिलेगा ही नहीं, कहे कि 100 रुपया जो देगा उसी को मिलेगा। अच्छा, मतलब 100 रुपया एंट्री लगेगा ना? 100 रुपया। तो गाइज अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो पहले 100 रुपया लेके आइएगा, वहाँ यहाँ एंट्री 100 रुपया, जो 100 रुपया दिया उसी को खाना मिलेगा, कि हमारे छोटा मिस्त्री का कहना है। मिस्त्री आप कितना दिए? 100। अगर उससे थोड़ा कम हुआ 10 रुपये? नहीं, घर भर। अच्छा, ये हमारा छोटा मिस्त्री भी है। तुमको कैसा लग रहा है बाबू? इधर देखिए, इधर एक चूल्हा फ्लॉप हो गया, ये चूल्हा जला नहीं, वहाँ मतलब दूसरा चूल्हा जलाना पड़ा, ये चूल्हा जला नहीं क्योंकि सब लकड़ी सब भींगा हुआ है। फिर भी ये काफ़ी प्रयास कर रहा है इस चूल्हा को जलाने के लिए, बट ये जलेगा नहीं। और यहाँ दूसरा चूल्हा जलाया गया है, इसे चिकन होने के बाद चावल बनाएंगे फिर रोटी बनाएंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। देखिए हम लोग कितना कष्ट करके बना रहे हैं, देखिए ये सब काचा काचा लकड़ी लेके आया है, जल नहीं रहा है, नहीं। सब चोरी का लकड़ी है, कोई औरत काट के रखी थी जो कि हम लोग लेके आए। वो जानबे करते हैं कि चोरी का धन कभी ठीक नहीं होता है। देखिए कच्चा कच्चा है सब, और ये लेग पीस। झाड़ फूल पास्ता बन रहा ना, देख सकते हैं हमारा चिकन बन चुका है, ये चिकन रखा हुआ है पूरे में भात। देखिए ब्रदर पास्ता बन रहा है हम लोग का नाइट के लिए।